अब बात करते हैं कि इसके जो पाथ के ऑप्शंस की, तो जैसे ही आपका पाथ रेडी हो जाता है, पाथ रेडी होने के बाद में या तो आप सिंपल कंट्रोल प्रेस एंटर करके इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे सिलेक्शन पे क्लिक करके भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप राइट क्लिक करके भी मेक सिलेक्शन से सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा ये पाथ वाला जो टैब है, इसके अंदर भी आपको ये जो तीसरा ऑप्शन नजर आ रहा है, ये वाला तीसरा ऑप्शन नजर आ रहा है, इसके ऊपर भी आप जब क्लिक करेंगे तो आपका सिलेक्शन बन जाता है, ठीक है। तो ये चार तरीके होते हैं पाथ को सिलेक्ट करने के लिए, जो भी चीज पाथ के अंदर होगी वो सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये है इस पाथ वाले टैब के अंदर तीसरे ऑप्शन का मतलब। देखिए पहले वाले ऑप्शन का मतलब, ये जो पहले वाला आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि इसमें से जो फोरग्राउंड कलर जो आपका सिलेक्टेड होगा वो कलर इसके अंदर फिल हो जाएगा। वो कैसे फिल होगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूं क्लिक करके। मैंने क्लिक किया, जैसे ही मैंने क्लिक किया जो कलर मेरा फोरग्राउंड के अंदर था वो इसके अंदर फिल हो गया, ठीक है। अभी सेकेंड जो ऑप्शन है ये है स्ट्रोक बनाने के लिए। आप सिंपली राइट क्लिक करके भी स्ट्रोक बना सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रोक पाथ का जो ऑप्शन है, और आप इसके ऊपर क्लिक करके भी स्ट्रोक बना सकते हैं। मैं इस पे क्लिक करता हूं तो जो भी कलर हमारा यहाँ पे सिलेक्टेड होगा वो इसके चारों तरफ बन के तैयार हो जाएगा इस तरीके से। देखिए यहाँ पे आपको कलर के साथ साथ, स्ट्रोक के साथ साथ ये लाइन भी शो हो रही है, ये पाथ भी शो हो रहा है। तो इस पाथ को गायब करने के लिए, देखने के लिए कि आपका रिजल्ट कैसे आया है, आपको क्या करना होगा, आपको व्यू पे क्लिक करना है। व्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे शो पे जाना है। शो पे जाने के बाद आपको यहाँ पे नजर आ रहा है टारगेट पाथ, ये चेक्ड है, तो इसीलिए हमको क्या हो रहा है, ये लाइंस शो हो रही है, ये पाथ शो हो रहा है। जैसे ही आप शो के ऊपर इसे अनचेक कर देंगे तो वो पाथ जो है गायब हो जाएगा। और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एंड एच। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच से वो पाथ जो है वो फिर से आ जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट एंड एच दबाने से वो फिर से गायब हो जाएगा, ठीक है। अब ये चौथा जो ऑप्शन है, ये वाला जो ऑप्शन है, ये होता है सिलेक्शन जो हम बना चुके होते हैं उसका पाथ बनाने के लिए। अभी ये ऑलरेडी पाथ है इसीलिए ये ऑप्शन एक्टिवेटेड नहीं है, ये ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं, इसको सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, कंट्रोल प्लस एंटर, ठीक है, या फिर इस पे भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर हम राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर हम इस पे भी क्लिक कर सकते हैं, किसी से भी क्लिक कीजिए, सिलेक्ट कीजिए। जैसे ही सिलेक्ट करूंगा आपने देखा ये वाला ऑप्शन एक्टिवेट हो गया है, ठीक है। तो जो भी इस तरीके का सिलेक्शन होता है उस सिलेक्शन को पाथ बनाने के लिए आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्शन एक पाथ बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये होता है सिलेक्शन को पाथ बनाने के लिए, ओके। तो उसके लिए आपको पहले कोई चीज सिलेक्ट करनी होगी, सिलेक्ट करने के बाद आपको अगर पाथ बनाना है तो इस पर क्लिक कर दीजिए। मैं बैक करता हूं, बैक करने के बाद ये है मास्किंग के लिए। अभी मैंने मास्किंग के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई है, जब मैं मास्किंग के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मास्किंग किस चीज की मास्किंग होती है, ठीक है। और ये है एक नया पाथ बनाने के लिए, जब भी आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एक नया पाथ बना सकते हैं। और ये है पाथ को डिलीट करने के लिए। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि आपको पाथ को डिलीट करने के लिए बैकस्पेस से हम डिलीट कर सकते हैं, और डिलीट से भी हम इसे डिलीट कर सकते हैं, और इससे भी हम इसे डिलीट कर सकते हैं। तो पाथ टैब में इन ऑप्शंस का मतलब था ये। अब आप देख रहे हैं पाथ टैब में यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन नजर आ रहा है, ये वर्क पाथ लिखा हुआ है, और आप इस डब्बे के अंदर देख रहे हैं कि बिल्कुल वैसी शेप है जैसी शेप हमने यहाँ पे सिलेक्ट की है। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम इस पाथ को सेव कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये था इस पूरे पाथ टैब के ऑप्शंस का मतलब और इसका मतलब। और जैसे ही आप पाथ के इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस पाथ पैनल से जुड़े आपको ऑप्शन नजर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको सेव पाथ नजर आ रहा है, सेव पाथ पे क्लिक करेंगे तो भी सेव पाथ हो सकता है, इसके बाद डबल क्लिक करेंगे तो भी आप सेव पाथ कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है डुप्लीकेट पाथ, इस पाथ को डुप्लीकेट करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है डिलीट पाथ, ये वही ऑप्शन है जो नीचे आपको नजर आ रहा है। ये सारे के सारे जो ऑप्शन है ये बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे वाले ऑप्शन ही है, ठीक है। आपको कंट्रोल प्रेस एंटर प्रेस करेंगे तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा पाथ के अंदर वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसका आप डुप्लीकेट बना सकते हैं इस तरीके से, आप उसे कहीं पे भी रख सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं,
आप कंट्रोल शिफ्ट और आई प्रेस करके, यानी इनवर्ट सिलेक्शन करने के लिए आप सिलेक्ट के अंदर जाकर इनवर्स के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। इनवर्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका उल्टा सिलेक्ट हो जाएगा, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। और जैसे ही आप डिलीट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो बैकग्राउंड है वो डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से हम पाथ बनाएंगे। पाथ बनाने के बाद उसे कंट्रोल प्लस एंटर से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप उस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हैं या फिर आप सिंपली हमारे बैकग्राउंड को डिलीट कर सकते हैं। और बैकग्राउंड को डिलीट नहीं करना चाहते हैं, इसका डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो डुप्लीकेट भी बना सकते हैं इस तरीके से, चाहे आप कितने भी डुप्लीकेट बनाइए। तो ये तरीका था किसी भी कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का। ओके गाइस, तो वीडियो खत्म करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, जब मैं बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आई से मैंने बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने इसे डिलीट किया। डिलीट करने के बाद आपने देखा कि यहाँ पे ये जो हमारा बॉर्डर्स है ये बहुत ही शार्प है, लेकिन ये शार्प नहीं होने चाहिए थे क्योंकि इनको थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए था। तो ऐसी चीज़ों को सॉफ्ट करने के लिए आपको फैदर अप्लाई करना पड़ेगा। तो फैदर अप्लाई करने के लिए या तो आप पहले ही उसे फैदर दे दीजिए, यानी सिलेक्शन करने से पहले ही। जैसे कि अभी हमने पाथ बनाया, पाथ बनाने के बाद जब सिलेक्शन बनाएंगे तो यहाँ पे ही आप फैदर देकर अपने एजेस को सॉफ्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपने सिलेक्शन बना लिया, सिलेक्शन बनाने का आपको फैदर करना है, तो आप क्या करेंगे, आप सिलेक्ट पे जाएंगे। सेलेक्ट पे जाने के बाद अपने जो एजेस है उसे एक्सपेंड कर सकते हैं, स्मूथ कर सकते हैं, बॉर्डर को स्मो कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है फैदर का। जैसे आप फोल्डर पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक वैल्यू देनी है फैदर की और आप ओके प्रेस कर देंगे, ठीक है। एंड देन मैं वापस अपने बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल शिफ्ट और आई से, और फिर मैं इसको डिलीट कर दूंगा डिलीट से। जैसे ही मैंने डिलीट किया, आपने देखा कि अब की बार जो मेरी एजेस है वो हार्ड नहीं है, वो सॉफ्ट है पहले के मुकाबले। तो इस तरीके से आप फैदर से अपने ऑब्जेक्ट को और भी अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। मैंने 5 की वैल्यू दी थी इसलिए ज्यादा फैदर हो गया है। आप 2 का फैदर भी यहाँ पे दे सकते हैं, अपनी मर्जी से फैदर दे सकते हैं यहाँ पे। थैंक यू गाइस, थैंक फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे इस शेप टूल को, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फ्री फॉर्म पेन टूल को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।